वित्त मंत्रालय ने हाल में सूचना दी कि इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान अभी तक अटल पेंशन योजना में लगभग 65 लाख रजिस्ट्रेशन पूरे हुए हैं। इस तरह पिछले 6.5 साल में पेंशन योजना के लिए 3.68 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताया कि अगर इसी गति से रजिस्ट्रेशन जारी रहे तो ये संख्या इस वित्त वर्ष यानी 31 मार्च तक 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। अटल पेंशन योजना सीनियर सिटीजन के लिए सरकारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। 9 मई 2015 को लॉन्च ये स्कीम सब्सक्राइबर को 60 साल की उम्र पूरे होने पर 1000 से 5000 रुपए तक पेंशन देती है, जो उनके कंट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है। पीएफआरडी के चेयरमैन सुप्रीतम बंदोपाध्याय ने कहा, चालू वित्त वर्ष के दौरान 1 करोड़ नामांकन हासिल करने के लिए हम सक्रिय रूप से कोशिश करते रहेंगे। समाज के कमजोर तबकों को पेंशन कवरेज सुनिश्चित कराना पब्लिक और प्राइवेट बैंकों, रीजनल रूरल बैंकों, पेमेंट बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, सहकारी बैंकों, डाक विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटीज के प्रयासों से संभव था। लॉन्चिंग के बाद से अटल पेंशन योजना पब्लिक के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। आइए बताते हैं आपको अटल पेंशन योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं। इस पेंशन योजना का फायदा उठाने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, जिसे रिटायरमेंट की उम्र के बाद इसका लाभ मिलेगा। सब्सक्राइबर के अंशदान के आधार पर सरकार 5000 रुपए तक पेंशन उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत सब्सक्राइबर के जीवित रहने तक 1000 से 5000 रुपए तक मासिक पेंशन मिल सकती है और उसकी मृत्यु के बाद उसके स्पाउस को मिलेगी और उनकी मृत्यु के बाद सब्सक्राइबर के अंशदान के आधार पर सब्सक्राइबर की 60 साल की उम्र होने पर उसके नॉमिनी को लौटा दी जाएगी। इस स्कीम में किए अंशदान को वही बेनिफिट मिलते हैं जो नेशनल पेंशन सिस्टम योजना के तहत मिलते हैं। इसमें किए गए अंशदान पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80 CCD 1B के तहत इनकम टैक्स बेनिफिट लिए जा सकते हैं। इनमें सरकार की तरफ से मिनिमम पेंशन की गारंटी मिलेगी। इसका मतलब है कि जमा पैसे से अनुमानित रिटर्न कम रह जाता है, यह मिनिमम गारंटेड पेंशन देने के लिए पर्याप्त नहीं होता, तो केंद्र सरकार इसके कमी की भरपाई करती है। सब्सक्राइबर कुछ शर्तों के साथ अटल पेंशन योजना से निकल सकते हैं, जिनमें सरकारी अंशदान और रिटर्न या इंटरेस्ट की कटौती शामिल है। बैंकिंग और फाइनेंसिंग की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।